पानीपत न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 15 स्थित राशन डिपो की दुकान पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने डीएफएससी विभाग के साथ मिलकर रेड की। इस दौरान डीएफएससी विभाग के अधिकारियों ने डिपो पर मौजूद स्टॉक को जांचा तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। साथ ही स्टॉक में नमक 182 किलो ज्यादा, चीनी 101 किलो कम, गेहूँ 10 क्विंटल 50 किलो ज्यादा मिला है। साथ ही बाजरा 18 क्विंटल 30 किलो कम मिला है। डीएफएसएससी इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि डिपो होल्डर द्वारा स्टॉक बोर्ड भी नहीं भरा रखा और ना ही निगरानी कमेटी की लिस्ट मिली और ना ही लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है और ना ही टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। उन्होंने डिपो होल्डर के खिलाफ थाना प्रबंधक को रिपोर्ट लिखी और डिपो की सप्लाई बंद करवाई, जिससे लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि डिपो होल्डर मौके पर नहीं आया, जिसके चलते वार्ड पार्षद रविंदर भाटिया को बुलाया, जिसकी निगरानी में ये सभी रिकॉर्ड चेक किए गए। ये वार्ड 15 राकेश बिंदल के डिपो पे खाद्य पूर्ति विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। मौके पर डिपो पे बाजरा 18 क्विंटल 30 किलो कम पाया गया, नमक 182 किलो ज़्यादा मिला है, चीनी 101 किलो कम मिली है और गेहूं है जो 10 क्विंटल 50 किलो कम मिला है, ज़्यादा मिला गेहूं 10 क्विंटल 50 किलो ज़्यादा मिला है, नमक 182 किलो ज़्यादा मिला है और बाजरा 18 क्विंटल 30 किलो और चीनी 101 किलो कम मिली है। मौके पर लाइसेंस भी नहीं लिखा हुआ है? नहीं, मौके पर स्टॉक बोर्ड भी नहीं रखा था, टोल फ्री नंबर भी नहीं लिखा हुआ और निगरानी कमेटी की लिस्ट भी नहीं है, लाइसेंस नंबर भी नहीं लिखा हुआ। नई डिपो धारक मौके पर आया है, मौके पर वार्ड के पार्षद रविंद्र भाटिया जी को बुला लिया था, उनकी निगरानी में सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को आगामी कार्रवाई तक प्रेषित कर दी जाएगी। सप्लाई इसमें एक श्री जय भगवान डिपो धारक की सप्लाई अटैच है, उन दोनों का राशन को एक ही इस पे कम मिला है, कम और ज्यादा मिला है। नहीं, इसको डिपो को सप्लाई अटैच है तो यहीं पे बांटेगा ना वो। हाँ जी, उसने वहाँ पे ऑफिस में नक्शा दे रखा होगा कि मैं यहाँ पे राशन वितरण करूँगा जी। भी इसमें मामला दर्ज पाया गया है, मुझे इस बारे में नहीं पता जी। क्या कार्रवाई बनती है विभाग से? अभी थाना प्रबंधक को लिख दिया जाएगा, आगामी कार्रवाई तो सप्लाई बंद करेंगे, डिपो के लिए लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए।